हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड अबाउट अ पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरुदा। पेब्लो नेरुदा का जो टाइम पीरियड है वो 1904 से 1973 माना जाता है। एंड पेब्लो नेरुदा इज़ द पेन नेम ऑफ नेटाली रिकार्डो रेस बेसो आल्टो। जो नेटाली रिकॉर्ड रेस बेसो आल्टो है उनका पेन नेम पेब्लो नेरुदा था। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैराल इन चिली। जिनका जन्म चिली के एक टाउन में, कस्बे में, पैराल में हुआ था। नेरुदास पोइम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल। नेरुदा की जो पोइम्स है वो बहुत ही ईजी गोइंग होती है, आसानी से समझ में आने वाली होती है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सुंदरता कम हो गई हो। उनकी आसानी में समझ में आने वाली पोइम भी होती है लेकिन वो उनके साथ साथ सुंदर भी होती है। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने 1971 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ भी जीता। इन दिस पोइम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट। इस पोइम में नेरुदा जो हैं वो शांत रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, और मनुष्यों के बीच पारस्परिक समझ की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हम शांत नहीं रहते हैं हमारे लाइफ में, हमेशा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चलते रहते हैं और उन कामों की ओर चलते रहते हैं जो हमें मृत्यु के करीब ले जाती है। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोइम। नाउ वी विल काउंट टू 12 And we will all keep still। अब हम 12 तक गिनती बोलेंगे और हम सब शांत और गतिहीन बने रहेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। पृथ्वी पर एक बार हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, अर्थात हम चुप रहेंगे। Let's stop for one second। हम एक सेकेंड के लिए रुकेंगे। And not move our arms so much। और हम अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। एक्जोटिक का मतलब होता है असाधारण। विदाउट रश, रश का मतलब होता है भाग दौड़। विदाउट इंजिन्स, इंजिन्स मीन्स इंजिन। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस मीन्स होता है अजीब सा वातावरण। तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, यह एक विलक्षण या असाधारण क्षण होगा। विदाउट रश, जिसमें ना तो भाग दौड़ होगी, विदाउट इंजिन्स और ना ही इंजन चलेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब वातावरण में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन मीन्स मछुआरे, जो कोल्ड सी में किसी भी वेल को, वेल मछली जो होती है उसको हार्म नहीं करेंगे, उसको घायल नहीं करेंगे। एंड द मेन गैदरिंग साल्ट, और वो आदमी जो साल्ट को इकट्ठा करता है, गैदरिंग मीन्स होता है इकट्ठा करने वाला जो आदमी है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों की तरफ देखेगा। हर्ट हैंड्स मीन्स घायल हाथ, जो उसके नमक को इकट्ठे करते करते उसके हाथों में जो घाव हो गए हैं उनको वो देखेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वो लोग जो ग्रीन वॉर, हरित या हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, या जो गैस से युद्ध की तैयारी करते हैं, या जो आग से लड़ने वाले युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसे युद्ध जिनमें विजय तो होती है किंतु कोई भी जीवित नहीं बचता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग, ऐसे लोग स्वच्छ वस्त्र या स्वच्छ कपड़े धारण करेंगे, पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और अपने साथियों के साथ वो छाया में टहलेंगे बिना कुछ किए, बिल्कुल शांति से, किसी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, वो शांति से छाया में अपने बंधुओं के साथ, अपने साथियों के साथ टहलेंगे। What I want should not be confused with total inactivity। मैं जो चाहता हूँ उसे गलती से पूर्ण निष्क्रियता मत समझ लेना। Life is what it is about। जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही। I want no truck with death, और मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। no truck with का मतलब होता है कोई लेना देना नहीं, तो मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving,
और अगर हम जीवन को चलाने के लिए हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं होता, जीवन को चलाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं होता, तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो हम एक बार के लिए कुछ नहीं करते, एंड परहेप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद एक विशाल शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट डालना, इस उदासी में रुकावट डाल देती, इसको भंग कर देती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्स विद डेथ, जो अपने आप को कभी न समझने तथा अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण पैदा होती है, ऐसी अशांति को, ऐसी उदासी को भंग कर देती अगर हम एक बार ही ट्राई करते कि हम कुछ ना करें, कुछ क्षण रुकें। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही जीवित सिद्ध हो जाता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। दिस इज द पोइम बाय पैब्लो नेरुदा। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।